ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਹਟ ਜਾਓ ਹੈ ਬਸੰਤਿਓ। तो यार ये देखिए कल इन्होंने शिकार किया, ये बिल्ला मुर्गियां बहुत ज़्यादा खाता था जी। तो यार बछड़े खाते हैं मट्टी और बछड़ों को दे रहे हैं जी सफ़ेद नमक। बोले ते सदा ना बाग बहारा सदा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुर्तज़ा खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा विलेज लाइफ। यार वीडियो को एंड तक देखना, अगर मज़ा आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यार चलो आज आपको गीदड़ का शिकार दिखाते हैं। तो सुने कल बिल्लो और पैंथर ने एक गीदड़ को पकड़ा जी, तो वो भी आपको दिखाते हैं और आज गीदड़ का शिकार भी करवाते हैं। तो पहले तो ये शिकार पे नहीं लगे हुए थे, कल ये शिकार पे लग गए हैं। तो अब जाके देखते हैं कि ये शिकार पे वाकया ही सही लग गए हैं या नहीं लगे। तेरी माँ जाया क्या थोड़ा छा ओ। तो भाई बिल्लो और पैंथर शिकार के लिए फुल रेडी हैं, फुल एक्टिव हैं। ये दो मेरे शिकारी हैं। अब जो ही ये इनको आवाज़ देंगे तो ये निकलेंगे। ये देखें वो शूट हो गए, इन्होंने थोड़ी सी सीटी लगाई है। ना 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 आवाज़ ना दो, वो ऐवें निकल गया। इधर चलने हैं, पता लग गया की है तोता। तो भाई वो देखें एक रात तोता गया सीधा ऊपर, इन्होंने पैरट ट्रैप लगाया है। ये दो बंदे शिकारी हैं लेकिन वो आगे निकल गया। तीरू सी रहा सी। तो यार यहाँ पे पुख्ता खाला बन रहा है जी, पक्का खाला बनेगा। तो ये बेड वगैरह की खटाई की है और इस कमांड में बहुत ज़्यादा गिदड़ आई है जो सामने कमांड है। तो ये बिल्लो और पैंथर कल इन्होंने एक गिदड़ का शिकार किया मेरा ख्याल इधर ही। तो अब वो जाके देखते हैं और खाला भी देखते हैं कि खाला कितना ज़्यादा जी बन गया। तो ये खाला जनाब पुख्ता बन रहा है, ये स्लेपों वाला और बड़ा ही VIP काम हो रहा है, बड़ी स्लेपें मजबूत है जी। और इस कमान में बहुत ज़्यादा गिदड़, कल बिल्लो और पैंथर ने इस कमान से गिदड़ पकड़ा जी। तो पता नहीं कहाँ पे पकड़ा है जी, लेकिन कल यहाँ पे शिकार किया। गिदड़ तो हमें नहीं मिला, यहाँ पर देखने आए थे, लेकिन इन कमानों में गिदड़ बहुत ज़्यादा हैं जी। और खाला बड़ा ही प्यारा बन रहा है जी, ये गुस्सा कर दी है ना। गिदड़ों तो फुल लगे खड़े ने उस्ताद जी, फुल सारा दिन इतने रेंगे, जाते नहीं घरे, शामी जाते हैं, इसलिए तो कमज़ोर हो खड़े ने। मन गोश्त खाधा कम से कम, फिर भी हड्डियाँ बाहर सारा दिन क्योंकि बजते आ। तो यार ये देखिए कल इन्होंने शिकार किया, ये बिल्ला मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा खाता था जी। मुर्गियाँ खाने का अंजाम देख ले, ये शिकार किया जी बिल्लो और पैंथर ने। कल इन्होंने पहला शिकार किया, ये शिकार पे फुल लग गए हैं। तो अब ये गीदड़ का भी शिकार किया करेंगे। बढ़िया मुर्गियाँ खाता सी है ना, एंड तो फिर अंजाम देख लो। तो भाई इस बिल्ले ने मुर्गियों और कबूतरों का बहुत ज़्यादा शिकार किया जी, खुडे तोड़ के कबूतर खा जाना, मुर्गियाँ खा जाना। तो काफ़ी दिन हो गया कुत्ते इसके पीछे थे, लेकिन ये कल जी फंस गया कुत्तों को और कल इसका शिकार हो गया। जो फिर इसके साथ हुआ वो आपने देखा है जी, अपनी जान गंवा दी। मुर्गियाँ और कबूतर खाने का अंजाम एंड पे ये आपके सामने हुआ है। तो भाई एक वलैती और शिकारी, ये देखें ये डॉग है। ओ बगैरत देख आकड़ दे, बिलो हट वापस। ओ हट वापस, नहीं छेड़ना शबीरे के कुत्ते, नहीं छेड़ना। हट कुत्ते हटो पिछा, आदत गंदी पैंदी पी उस्ताद दिन। बिलो 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 पैंथर पैंथर वापस आओ, है बदमाशो, ये बदमाश होने पैन भाई, इन्होंने बन्ना करो जनाब। साढ़े एरिए दे बंदे ने सोशल मीडिया का कोई पता नहीं, मतलब दूर दूर तक इलम नहीं, ना फेसबुक का, ना यूट्यूब का, ना इंस्टाग्राम का, ना ट्विटर का। ए अज इस बंदे दे कोल आ टच मोबाइल हथे चढ़ा है, यकीन करो अल्लाह जानता है, इहदे कोल कोई कॉल नहीं आई, कोई कुछ नहीं।
ਤੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਇੱਧਰ ਵਿਖਾ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਤੇ ਸਹੀ ਇਹਨੇ ਟੱਚ ਮਹਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਕੜਾ ਮੀਆਂਵਾਲ ਚੁਕਾ ਲਾਈ ਜੀ ਮੀਆਂਵਾਲ ਮੀਆਂਵਾਲ ਉੱਲਾ ਬੈਠਾ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਚੁਕਾ ਲਾਈ ਵਿਖਾ ਤੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਅੱਗੋਂ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪਾਈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਗਾ ਆ ਗਿਆ ਪਾਸ ਉਹਨੇ ਕਮੋਲ ਮਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ 50,000 ਰੁਪਏ 40,000 ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 35,000 ਉਹ ਮੁਰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਖਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਖੜਾ ਚੱਲ ਉਹ ਵਿਖਾ 35,000 ਕਿਹੜਾ ਮੁਰਗਾ ਮਾਂ ਬਸ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਐਵੇਂ ਖਾਦੀ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਕਿਲ ਕਾਬਲਨ ਕੇ ਲਈ ਖੱਬ ਕੱਢੇ ਖੱਬ ਤੂੰ ਯਾਰ ਬਛੜੇ ਖਾਤੇ ਆ ਮੱਟੀ ਔਰ ਬਛੜੋਂ ਕੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਫੈਦ ਨਮਕ ਜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦੇਂਗੇ ਔਰ ਨੀਚੇ ਜੇ ਦੇਖੇ ਕੁਤਰਾ ਡਾਲਾ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨੀਚੇ ਮੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੱਟੀ ਕੋ ਦਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਤੇ ਜੇ ਕਾਜਲ ਕੀ ਬਛੜੀ ਹੈ ਜੀ ਵੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਜਲ ਖੜੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਜੇ ਪੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਕਾ 2.5 ਕਿਲੋ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੂੰ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦੋਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੋ ਲੰਬਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਬੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨਵਾਬ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਨਵਾਬ ਹੈ ਬੜਾ ਨਵਾਬ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਵਾਬ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗੀ ਬੁਲਬੁਲ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਸਦਾ ਨਾ ਮਾਪੇ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸਦਾ ਨਾ ਸੋਭਤ ਯਾਰਾਂ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਰਹਿ ਔਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਲ ਮਵੈਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ 3 ਗਾਵਾਂ 2 ਮੱਝਾਂ ਇਹ ਬੱਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕ੍ਰਾਸ ਕਾਲੀ ਇਹ ਘਰ ਫਿਲਹਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਨੀਏ ਤਾਂ ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੱਟੀ ਸਪੇਅਰ ਪਈ ਆ ਮੱਟੀ ਥੱਲੇ ਡਾਲਨੇ ਆ ਡੇਲੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁੱਕ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਧੂਪ ਹੈ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤੋ 3 ਬੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਜੀ ਛੋਟੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਸਰਦੀ ਕਾ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਵੋ ਤੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖ ਲੇ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ ਸਰਦੀ ਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਪੀਟਰ ਟੋਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ